आ गए आप लोग। गाइस मैं हूं अनीस और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं टॉप 10 एफपीसी शूटर गेम जो कि आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से खेल सकते हो। सारे गेम्स की लिंक मैं अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और गाइस ये जितने भी गेम होंगे ये 1 GB से लेकर 200 MB के बीच के होंगे। इस गेम के अंदर आप लोगों को HD ग्राफिक देखने के लिए मिल जाएंगे। सभी एंड्रॉइड डिवाइस के लिए सपोर्टेबल है और लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर सकते हो। चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ टॉप 10 FPC शूटर गेम जो कि आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा खेल के। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस अपने पास सबसे पहला गेम यहाँ पे है, उस गेम का नाम है स्ट्राइक फोर्स। स्ट्राइक फोर्स एक ज़ॉम्बी शूटर तो नहीं कह सकते, ऑफलाइन गेम है। गेम का साइज़ यहाँ पे 250 MB का है और आप लोगों गन स्किन और आप लोग अपना कैरेक्टर मॉडिफाई कर सकते हो। मैं आप लोगों को चलिए दिखा देता हूँ बेसिकली जो भी हमारे पास गन की स्किन्स वगैरह जो हमें फ्री ऑफ मिलती हैं इस गेम के अंदर से। बस आप लोगों को इस गेम को खेलते जाना है और जो भी हमें गोल्ड्स और मनी मिलते हैं उनसे इन सारी गन्स को आप लोग अनलॉक कर सकते हो। और काफ़ी अच्छा गेम है और सभी एंड्रॉइड डिवाइस के लिए सपोर्टेबल है और गेम की साइज सिर्फ 200 MB की ही है। और लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए एक बार इसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा गेम प्ले दिखा देता हूँ किस तरह का ये गेम है। तो लेट्स बी स्टार्ट। और मैं पहुँच चुका हूँ देखिए यहाँ पे आप लोगों को चार मैप देखने के लिए मिलते हैं आप लोग। और इन चारों मैपों में से आप लोग कोई भी मैप सेलेक्ट कर सकते हो और आप अपना गेम खेल सकते हो। तो चलिए सबसे पहले फटाफट एक गेम का जो भी गेम प्ले मैं दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे देख सकते हो पैराशूट से लैंड हो चुका हूँ और ओब्वियसली मैं इस घर के अंदर उतरा हूँ। और देखते हुए एनिमी कहाँ पे, एक एनिमी क्लियर कर दिया। और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एम होता है, अगर आप जैसे एनिमी की तरफ गन लेके जाते हो तो ये शूट करना स्टार्ट कर देता है। ये देखेंगे गाइज और ग्राफिक आप लोगों के सामने। और मैं इसको 1080p पे शूट कर रहा हूँ जो कि मोबाइल स्क्रीन है। और अगर आप लोगों को ये सारी क्लिप्स आप लोगों को अपना वीडियो बनाने के लिए चाहिए तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। मैं इन सारी क्लिप्स को विदाउट वॉइस ओवर और विथ इनकी ओरिजिनल साउंड के साथ आप लोगों के लिए फ्री प्रोवाइड करवा दूँगा। तो ये एक अपना चैनल का नया अपडेट भी आप लोग कह सकते हो गाइस। तो ये बेसिकली मैंने ये स्टार्ट इसलिए किया है क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप भी ओब्वियसली गेमर ही होगे और आप भी इस तरह की वीडियो कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो। लेकिन उसके लिए आप लोगों के पास काफ़ी सारा इंटरनेट होना चाहिए क्योंकि 200 MB की अगर आप 10 गेम डाउनलोड करते हो तो 1 GB का इंटरनेट चला जाता है। उसके बाद आप लोग एडिटिंग करते हो तो बेटर ये होगा कि अगर आप लोग मेरे को कमेंट करते हो तो जो भी मैं अपने वीडियो के अंदर जो भी क्लिप यूज़ करता हूँ जो कि मेरे द्वारा खेली गई गेम प्ले की होती है वो सब मैं आप लोगों को फ्री ऑफ प्रोवाइड करवा दूंगा। और आप लोग सीधे ही उन सब क्लिप्स को डाउनलोड करके अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर सकते हो एक वीडियो बनाकर अपने वॉइस ओवर के साथ। तो चलिए ये तो था अपने चैनल का अपडेट और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। और गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ नेक्स्ट गेम अपने पास कौन सा। गाइस अपने पास जो नेक्स्ट गेम है वो है वर्ल्ड वॉर 2। अगर आप लोगों को वियतनाम या फिर जो भी यार वर्ल्ड वॉर टाइम के टाइम में जो भी लोकेशन सिचुएशन या फिर 1999 के टाइम की जो गन्स वगैरह का जो एक्सपीरियंस अगर आप लोग लेना चाहते हो तो आप लोगों के लिए ये गेम है। और गेम काफ़ी अच्छा है और इससे पिछले वीडियो में मैंने इस गेम का जो सेकंड जो वर्ल्ड वॉर 1 था उसका रिव्यू दिया था आप लोगों को, वो मुझे बेसिकली इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। लेकिन जो वर्ल्ड वॉर 2 है इस गेम की साइज़ यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी है। ये ऑनलाइन गेम है और आप लोगों को ऑनलाइन यहाँ पे बैटल करनी होती है और गेम काफ़ी अच्छा है। और जब आपने वीडियो का इंट्रो देखा था तब स्टार्टिंग में मैं यही गेम आप लोगों के सामने खेल रहा था अपने मोबाइल पे और गेम काफ़ी अच्छा है। अगर गाइस आप लोगों को फुल्ली ऑफलाइन टॉप 10 ऑफलाइन FPC शूटर गेम चाहिए तो आप लोग मेरी ये दो वीडियो देख सकते हो। और अगर आप लोगों को बैटल रॉयल ऑफलाइन गेम चाहिए तो आप लोग मेरी ये वीडियो देख सकते हो। तो गाइस दोनों वीडियो में मैंने बैटल रॉयल ऑफलाइन या फिर FPC शूटर गेम्स के बारे में बताया है। आप लोग इन दोनों वीडियो को चेकआउट कर सकते हो और आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो और इसके अंदर आप लोगों को बिल्कुल ऑफलाइन आप लोगों को गेम देखने के लिए मिल जाएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ और मैं आप लोगों को बताता हूँ अपने पास नेक्स्ट गेम कौन सा है। सो गाइस अपने पास लास्ट गेम सॉरी जो सेकेंड गेम है वो है लास्ट होप स्नाइपर। लास्ट होप स्नाइपर एक काफ़ी अच्छा एक
ग्राफिक वाला गेम है और गेम की साइज़ यहाँ पे 300 MB की है। और मैं आप लोगों को चलिए थोड़ा सा गेम प्ले दिखा देता हूँ और काफ़ी अमेजिंग गेम है और इसको इजीली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। सीधा ही आप लोगों को जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे सीधा ही आप लोग प्ले स्टोर पे पहुँच जाओगे, इस गेम को डाउनलोड करके खेल सकते हो। क्योंकि मैं सारे गेम्स को खुद खेलता हूँ, उसके बाद जो क्लिप्स होती हैं उनकी वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ। क्योंकि प्ले स्टोर पर काफ़ी सारे गेम हैं लेकिन यार सब गेम अच्छे नहीं हैं, तो जो गेम आप लोगों को अच्छे लगे वही सब मैं, जिनके अंदर अच्छे ग्राफिक हो वही सब सारे गेम्स मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ। और गाइस यहाँ पे मेरे को प्लेयर मार रहा है, मेरे को ढूंढना पड़ेगा। तो ये है ओबियसली यहाँ पे प्लेयर और हम इसके हेड बजा देते हैं यहाँ पे और लग जा, ये देखिए। तो गाइस इस तरह से आप लोग इस गेम के अंदर शूटिंग कर सकते हो और आप लोग एक स्नाइपिंग वाली गेम का एक्सपीरियंस यहाँ पे ले सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ और मैं आप लोगों को बताता हूँ नेक्स्ट गेम के बारे में। तो गाइस अपने पास जो नेक्स्ट गेम यहाँ पे निकल के आता है उस गेम का नाम है ग्लोबली ऑफेंस। ग्लोबली ऑफेंस आप लोगों ने अब तक पीसी पर खेला होगा, गाइस अब ये मोबाइल पे भी आप लोगों के लिए आ चुका है और गेम की साइज़ यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी है, 1 GB के आसपास का गेम है। और इस गेम को खेलने के लिए आप लोगों के पास एटलीस्ट 3 GB की रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज वाला एक डिवाइस होना चाहिए, उसके बाद आप इस गेम को एंजॉय ले सकते हो। इस गेम का जो कॉन्सेप्ट है वही सेम आप लोगों को पीसी वाला कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा, मतलब 5 vs 5, एक यहाँ पे आप लोगों की टीम होगी और एक दूसरी सामने वाली एक अपोनेंट की टीम होगी। और बस आप लोग देखिए, आप लोग डिफरेंट यहाँ पे गन्स वगैरह यहाँ पे ले सकते हो और उसके बाद आप लोग सामने वाले प्लेयरों को किल कर सकते हो। गेम काफ़ी अमेजिंग है और वही काउंटर स्ट्राइक जो कि हम आज तक पीसी पर खेलते आए हैं, ये उसका मोबाइल वर्जन है आप लोगों के लिए। तो आई होप ये गेम भी आप लोगों को पसंद आया होगा और लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ और मैं आप लोगों को बताता हूँ नेक्स्ट गेम यहाँ पे कौन सा निकल के आता है। तो गाइस अपने पास जो नेक्स्ट गेम निकल के आता है वो है शूटआउट लॉन्चर। शूटआउट लॉन्चर बेसिकली एक फर्स्ट पर्सन गेम है और इसके अंदर थोड़े से कार्टूनिस्ट आप लोगों को प्लेयर टाइप मतलब ये दिखते हैं, लेकिन गेम काफ़ी अच्छा है। गेम की साइज़ यहाँ पे 350 MB की है और अगर आप लोगों को प्ले स्टोर से ना मिले तो आप लोग किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से इस गेम को डाउनलोड करके खेल सकते हो, वहाँ से आप लोग इस गेम का एंजॉय ले सकते हैं। चलिए गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। तो गाइस यहाँ पे अपना जो अगला गेम है वो है वॉर आफ्टर। एक बेसिकली थर्ड पर्सन शूटर गेम है और आप लोगों ने अगर पबजी पीसी का जो लाइट वर्जन था वो अगर आप लोगों ने खेला होगा तो उसका जो PDM डेथ मैच था सेम ये PDM डेथ मैच से इंस्पायर है और आप लोगों को सेम उसी तरह का यहाँ पे PDM एक डेथ मैच आप लोग खेल सकते हो। जिस तरह से आपने पबजी पीसी लाइट वर्जन में हम PDM डेथ मैच खेलते थे तो उसी तरह का ये इनका एक गेम का कॉन्सेप्ट है। गेम काफ़ी अमेजिंग है और आप इसके अंदर क्राउच के साथ साथ पिक लेकर भी प्लेयर को मार सकते हो। तो चलिए मैं कैसे मार सकते हो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ पे कोई प्लेयर आता है तो मैं आप लोगों को भी दिखा दूंगा और आप लोग इस गेम का भी एंजॉय ले सकते हो। गेम काफ़ी अमेजिंग है और मुझे काफ़ी पसंद आया और वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए गाइस इस तरह से आप लोग पिक करके भी प्लेयर को मार सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ और मैं आप लोगों को बताता हूँ अपने पास नेक्स्ट गेम कौन सा है। सो गाइस यहाँ पे जो अपना अगला गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है ZF4। ZF4 का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो है ज़ॉम्बीज़ के ऊपर। आप लोग अपने फ्रेंड को ऐड कर सकते हो, मल्टीप्लेयर ये गेम है और आप दोनों फ्रेंड मतलब जो भी आपका फ्रेंड हो आप अपने फ्रेंड के साथ इस गेम को खेल सकते हो। इसमें काफ़ी सारे आप लोगों को ज़ॉम्बी देखने के लिए मिलेंगे, ज़ॉम्बीज़ एरिया में आप लोगों को सर्वाइव करना है और बस ये इसी तरह का पूरा गेम का कॉन्सेप्ट है। लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग चाहो तो डाउनलोड करके खेल सकते हो। तो चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट गेम के बारे में। सो गाइस अपने पास जो अगला गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है ज़ॉम्बी फोर एंट्री। 350 MB का गेम है और आप लोग इसको ऑफलाइन खेल सकते हो। स्टार्टिंग में आप लोगों को पिस्टल मिलती है और पिस्टल से ज़ॉम्बी को मारना होगा और आप लोग जब इस गेम को खेलोगे तो अगर आप लोगों ने रेसिडेंस इवेल 2 खेली है तो बस ये उसी के कॉन्सेप्ट बेस ये पूरा गेम है और आप लोग देख सकते हो किस तरह के मकान वकान है और आप लोग लेवल अपग्रेड करते जाओगे वैसे वैसे आप लोगों के वेपन्स वगैरह भी अपग्रेड होती जाएंगी। और ये देखिए गाइस यहाँ पे ज़ॉम्बी आ चुके हैं
तो इसी तरह से आप लोगों को जोम्बीज को मारना है और सर्वाइव करना है इस गेम के अंदर, लेकिन गेम काफी हार्ड गाइस। आप लोगों को 1 GB से लेकर 500 MB के अंडर जो कि गेम होते हैं FPS शूटर गेम, अगर वो आप लोगों को ऑफलाइन वाले देखने तो आप लोग ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट करें। इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को ऑफलाइन FPS शूटर जो गेम है उनके बारे में फुल्ली एक्सप्लेन किया है, और लिंक भी मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप चाहो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो इस मेहनत के लिए।